हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन गाइस अच्छे से चल रही होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके मॉक टेस्ट में क्या स्कोर्स आ रहे हैं और आपका क्या टारगेट परसेंटाइल है। सो गाइस, 10 दिन जनवरी के बीत चुके हैं और अभी तक जेई मेन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, एनटीए की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जेई मेन और बाकी एग्जाम्स के लिए रिगार्डिंग कुछ नहीं आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी कोई कमेंट नहीं आ रहा है कि कब एग्जाम्स हो सकते हैं। सो गाइस, प्लस यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो है अब बढ़ते हुए थर्ड वेव के केसेस। गाइस, तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं 1.6 लाख तक टच किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं, वैक्सीनेट हुए कि नहीं, आपको फर्स्ट डोज लगा कि नहीं। और गाइस, जिन लोगों ने नहीं लगवा लिया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं लगवाया गाइस, फटाफट वैक्सीनेशन करवाइएगा, क्योंकि मे बी आपको एग्जाम में अपियर होने का वन ऑफ द क्राइटेरिया विल बी वैक्सीनेशन एज वेल। ठीक है, फिर भी गाइज आगे की अगर बात करें, क्योंकि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है, जो कि गाइज इलेक्शन लाइक इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, जो कि मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कंक्लूड होने वाले हैं, तो पहले हफ्ते तक तो आप मान के रखिए कि एग्जाम्स नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये क्राउड रहता ही है और एग्जाम्स कंडक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो अगर केसेस कम होते हैं और सब कुछ सही रहता है, तो मे बी द एनटीए विल बी कंडक्टिंग द एग्जाम्स इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, आखिरी वीक ऑफ मार्च में कंडक्ट करेंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम। उसके लिए नोटिफिकेशन इन्हें लेटेस्ट टू लेटेस्ट लास्ट वीक ऑफ जनवरी में या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में निकालना ही पड़ेगा। और अदरवाइज गाइज, अगर केसेस और स्पाइक करते हैं, जो कि ना करें, अगर और स्पाइक होता है तो आप मान के रखिए कि आपका एग्जाम मार्च में भी नहीं होने वाला है और वो होगा अप्रैल में। अब इस डेटा से आप क्या करेंगे? कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेटा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है जिनकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई, जिन्होंने जीरो प्रिपरेशन रखी थी, या जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे थे, या जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुई थी। गाइस, 50 दिन का अगर आप टारगेट लेते हो और आप मान के रखो कि फरवरी में एग्जाम तो नहीं होने वाला, तो 50 दिन में भी आप गाइस अपने अपना बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर कर सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स में। और जो बच्चे ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे थे, जिनकी जीरो प्रिपरेशन हुई थी, गाइस उनके लिए तो मैं कहूंगा कि आप अपने लास्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर लीजिए, जो कि मे बी जून या जुलाई में होगा। तो गाइस, अगर लास्ट अटेम्प्ट का भी आप टारगेट करते हुए 4 to 5 months का टाइम देकर अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो गाइस ऐसे कई सारे न्यू बैचेज अनअकैडमी पे भी चालू हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां से गाइस आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो और जेई को इसी साल क्रैक कर सकते हो इंस्टीड ऑफ टेकिंग 1 ईयर एक्स्ट्रा ड्रॉप। तो दोस्तों, ड्रॉप का प्लान छोड़िए, अभी आपके सामने ये जो भी लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, चाहे वो इलेक्शन की वजह से हो, चाहे वो कोविड-19 की वजह से हो, डिले इन एग्जाम्स हो रहा है, तो इसको आप यूज़ करिए और इससे अपने मॉक टेस्ट के स्कोर भी बेटर करिए। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो मॉक्स दीजिए और जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाइज आपको जेई एडवांस भी तो अपियर करना है। तो ये बातें समझना है आपको, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है और फालतू में एंग्जाइटी और घबराना नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं या ये हो रहा है या जेई के डेट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है गाइज, अच्छे से पढ़िए एंड मिलते हैं आपको अगले अपडेट में।